दोस्तों नमस्कार, आपका अपने YouTube चैनल अतीश इन्फोटेक में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे वादा भी किया था कि मॉर्निंग तक जो है आपको मैं बताने वाला हूँ कि आपका एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन करने का रीज़न क्या है और क्या एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे। तो इस पे आज आपका जो है पूरा डाउट मैं क्लियर करने वाला हूँ। और चैनल पे बने रहें, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे पूरा और पूरा अपडेट, यहाँ पे मैं आपको दो बातें बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात जो माननीय VC जी ने यहाँ पे कहा, यानी कि वाइस चांसलर जो हमारे PK मिश्रा सर जी हैं, उन्होंने कहा है, जो उनकी बात मैं बताने वाला हूँ, और इंटरनली जो प्रोफेसर जी हैं उनकी जो बात है जो सेक्रेट है, यानी कि जो आपको पता होगा कि यहाँ से ऑफिशियली भी नहीं कही जा सकती, वो मैं बातें आपको बताने वाला हूँ। कुछ ऐसी बातें हैं जिसे सुन करके आप एकदम से हैरान हो जाएंगे। यहाँ पे जो माननीय VC जी ने कहा है कि जो एग्ज़ाम जो है वो तय करेगा, यानी कि जो एग्ज़ाम का मोड है वो तय करेगा कोरोना, चुनाव और अधूरा कोर्स बना कारण, यानी कि जो पोस्टपोन करने का कारण है, और कोविड जो है तय करेगा परीक्षा, यानी कि कोविड के हालात। जैसे कोविड अगर अच्छे होंगे तो आपके परीक्षा जो है ऑफलाइन होंगे, ये माननीय VC जी का कहना है। और उन्होंने कहा क्या कहा, यहाँ पे आपको पता हो, देख सकते हैं कि राइट साइड में यहाँ पे लिखा है, मैंने पहले ही कहा था कि जो मेरे लिए जो प्रायिकता है वो स्टूडेंट का जो है स्वास्थ्य है, उनसे बढ़ के कुछ भी नहीं है, और मैं इसीलिए जो है एग्ज़ाम को पोस्टपोन करके 15 मार्च के बाद कराने का जो है अपना निर्णय उन्होंने दिया है। सेकेंड बात मैं बता दूँ आपको, जो सच्चाई है वो ये है कि मैंने आपको बताया भी था पहले अपने वीडियो में, बार बार वीडियो बनाया था, कई लोग बोल रहे थे फेक है फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे मीटिंग्स हुए हैं स्टेट गवर्नमेंट के साथ, और जिन्होंने, मैं आपको बता दूँ, जो लोग बाहर बाहर से कहते हैं स्टूडेंट के फेवर में, मतलब कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कराएंगे ऐसा वैसा, तो उन्होंने खुद ही मना किया है कि एग्ज़ाम जो है केवल और केवल ऑफलाइन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो पिछली बार आपका एग्ज़ाम हुआ था, कि आपका एग्ज़ाम जो पिछली बार हुआ था उसमें जो यानी कि धांधलियाँ हुई थी, कुछ ऐसा कि मतलब कुछ चीटिंग्स वगैरह जो मतलब कि शेयर किए गए थे ग्रुप्स में, AKTU का ऑनलाइन एग्ज़ाम कराना एकदम से इतना आसान नहीं है। मैं बता दूँ, जो माननीय जो है हमारे प्रोफेसर जी ने बताया है, जिनका मैं कुछ सिक्योरिटी के कारण आपको नाम नहीं बता रहा हूँ, तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि यहाँ पे काफ़ी सारी बातें हैं जो ऑनलाइन एग्ज़ाम को मतलब कि बढ़ावा नहीं दे रही है, कि ऑनलाइन एग्ज़ाम के प्रति जो है अभी होना होता, मैं आपको बता दूं, इतना आप दिमाग लगा सकते हैं कि मैंने आपको बताया था कि दो चीज़ें होंगी, पॉसिबिलिटी है 80% कि आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, मैंने बताया था पहले ही, और पॉसिबिलिटी है 20% कि आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा। तो यहाँ पे फाइनली जो है पोस्टपोन कर दिया गया है। इसके पीछे का रीज़न यही है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम ना करा पाना, यानी कि आपको पता होगा कि AKTU के पास ऐसे ऐसे मतलब कि संसाधन से है, टेक्नोलॉजीज हैं, जिसके हिसाब से AKTU जो है एग्ज़ाम करा सकता है। लेकिन यहाँ पे कुछ अच्छा भी हुआ एक प्रकार से जो है पोस्टपोन कराने का, कि एग्ज़ाम अगर ऑफलाइन इस टाइम कराता तो वो भी बिल्कुल सही नहीं था, पोस्टपोन हुआ है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, मैं बता दूँ, आप लोग जो है अब पढ़ाई में जुट जाइए, घर पे बैठ के आराम से सेफ मोड में आराम से पढ़ाई करिए, और यहाँ पे एक जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम का जो है बहुत ही कम चांसेस है। और मैं बता दूं, आज 24 तारीख को जो है 3 से 4 बजे के बीच में आपका सर्कुलर भी आ जाएगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि ऑनलाइन एग्ज़ाम जिसको अगर कराना भी है तो उसके बाद मैं कुछ जो है वे हैं, कुछ रास्ता हैं जो मैं बताऊंगा, तो सभी लोग वहां पे एक साथ जुट करके अपना कुछ करेंगे हम लोग, तो एग्ज़ाम कराने के चांसेस बनेंगे। नहीं तो अभी आप लोग जान लीजिए कि कोविड हो या तो कोई भी सिचुएशन हो, चुनाव हो, अगर कोविड का सिचुएशन ऐसा कुछ रहा तो ऑनलाइन होगा, नहीं तो एग्ज़ाम आपका जो है ऑनलाइन मोड में कराने का पूरा और पूरा बंदोबस्त किया गया है, इसीलिए पोस्टपोन कर दिया गया है। ये सच्चाई है और यही सही है। तो यार मैं आपको जो है अब मिलूँगा 4 बजे, अगर सर्कुलर आएगा तुरंत मैं बताऊँगा कि अब आगे क्या करना है, तो इसके रिगार्डिंग जो है ये तय करेगा छात्रों का डिसीजन होगा। तो आप लोग चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपका भाई आपके लिए जो है ऐसे ही अपडेट्स लाता रहेगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद।